सब्सक्राइब करें हिस्टोरिक हिंदी यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। कुछ सालों पहले की बात की जाए तो टीवी सेट भारत के हर घर में नहीं हुआ करता था। उस समय एकमात्र मनोरंजन का साधन था रेडियो। रेडियो एकमात्र ऐसी चीज थी जो हर तबके के लोगों के पास हुआ करती थी। गांव में तो लोग कान से कान सटाकर रेडियो के इर्द गिर्द बैठ जाया करते थे ताकि वो उससे निकलने वाली आवाज को सुन सके। समय के साथ रेडियो बदलता गया। कभी भारी भरकम और बड़ा सा दिखने वाला रेडियो आज इतना छोटा हो चुका है कि आपकी जेब में भी आ जाता है। तो चलिए आपको आज लेकर चलते हैं रेडियो के सफर पर ताकि इसे और करीब से जाना जा सके। बदलते वक्त के साथ रेडियो ने भी खुद को काफी बदल दिया। आज के इस डिजिटल जमाने में रेडियो भी डिजिटल हो चला है। ये आपके फोन, गाड़ी और स्मार्ट वॉच जैसे डिजिटल उपकरणों में भी मिल जाता है। यूं तो आज की दुनिया टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी रेडियो इनके आगे नहीं झुका। आज भी कई लोग हैं जिन्हें रेडियो सुनने की आदत है। दरअसल रेडियो की शुरुआत एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने की थी। वो विविध रेडियो तरंगों पर काम करते थे। इस दौरान किसी का भी ध्यान उनकी ओर नहीं गया, पर वो निरंतर इस काम में लगे रहे और हमेशा के लिए अलविदा कह गए। उनके जाने के बाद उनकी खोज को अधूरा माना जाने लगा था, पर करीब 8 साल बाद एक और ब्रिटिश वैज्ञानिक ऑलिवर हेविसाइड ने 1887 में तारों के माध्यम से रेडियो तरंगों पर काम शुरू किया। हालांकि वो भी इसमें कामयाब नहीं हो पाए थे। बाद में हेनरिक हर्ट्ज नामक एक वैज्ञानिक ने इस काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने चुंबकीय रेडियो तरंगों पर काम करना शुरू किया और काफी हद तक सफल भी रहे। रेडियो से जुड़े कई सवालों का जवाब ढूंढने में उन्हें सफलता भी मिली थी। हर्ट्ज के निधन के बाद उनकी और रेडियो से जुड़ी सारी खोज को हर्ट्ज की याद में एक पुस्तक बनाकर पेश किया गया। रेडियो की खोज के लिए उस पुस्तक को भी एक बड़ा कारण माना जाता है। माना जाता है कि उसको पढ़ने के बाद ही जगदीश चंद्र बसु समेत दुनिया के सभी वैज्ञानिकों ने रेडियो के प्रति दिलचस्पी दिखानी शुरू की। रेडियो पर लिखी उस किताब ने जगदीश पर इतना प्रभाव डाला था कि उन्होंने रेडियो तरंगों को हकीकत बना डाला। एक वैज्ञानिक प्रदर्शन के दौरान उन्होंने रेडियो तरंग से दूर रखी एक घंटी बजाकर दिखाई थी, जिसे देखकर उस वक्त सभी लोग हैरान हो गए थे। जगदीश चंद्र की सफल कोशिश के बाद गुलियेल्मो मार्कोनी नाम के एक वैज्ञानिक ने रेडियो की खोज को अंजाम दिया। मार्कोनी ने वायरलेस रेडियो सिग्नल के जरिए 2000 किलोमीटर दूर एक संदेश भेजकर दिखाया। उसके बाद से तो रेडियो की स्थापना शुरू हो गई। रेडियो के शुरुआती दिनों में उसका इस्तेमाल सेना में हुआ करता था। थोड़े समय बाद जब सरकार को लगा कि रेडियो एक कारगर यंत्र है, तो उसने भी इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। एक लंबे समय तक रेडियो सरकारी कामों के लिए ही इस्तेमाल होता रहा। उस समय रेडियो चैनल जैसी कोई भी चीज नहीं थी। बाद में रेडियो के बढ़ते चलन के कारण ही रेडियो चैनलों की शुरुआत हुई। 1920 में नौसेना के रेडियो विभाग में काम कर चुके फ्रैंक कॉर्नर को दुनिया में पहली बार कानूनी तौर पर रेडियो स्टेशन शुरू करने की अनुमति मिली। कॉर्नर को लोग रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के जनक के रूप में भी जानते हैं। फ्रैंक के रेडियो चैनल शुरू करने के बाद तो कई सारी प्राइवेट कंपनियों ने अपना रेडियो स्टेशन खोलना शुरू कर दिया। इनमें सबसे प्रसिद्ध हुआ ब्रिटिश रेडियो चैनल बीबीसी। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई। पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया। इसके बाद 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले दो ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की स्थापना हुई। सन 1930 में सरकार ने इन ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में ले लिया और भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से ब्रॉडकास्ट करना आरंभ कर दिया। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और 1957 में आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। वक्त के साथ भारत में रेडियो का प्रचलन भी बढ़ता गया और AIR ने अपनी पहुंच बढ़ानी शुरू कर दी। भारत में दूर दूर तक उसने अपनी सेवाएं पहुंचाई। स्वतंत्रता के बाद AIR ने अपने अलग से दो विभाग बना लिए, जिसके आधार पर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और गुवाहाटी को AIR ने अपना मुख्यालय बनाया। समय दर समय ऑल इंडिया रेडियो प्रसिद्ध होने लगा और गांव, शहर हर जगह लोग इसे ही सुनने लगे। देश विदेश की खबरों के बारे में जानने के लिए इससे अच्छा कोई और साधन नहीं था। कई सालों तक AIR ने ऐसे ही राज किया, लेकिन फिर समय के बदलते दस्तूर के साथ प्राइवेट रेडियो चैनलों की शुरुआत हो गई। उनके आने के बाद से सरकारी चैनलों का रंग
फीका सा पड़ गया। लेकिन जो भी हो, सरकारी या प्राइवेट, भारत के लोगों ने रेडियो सुनना कभी नहीं छोड़ा। रेडियो सिर्फ कोई यंत्र नहीं है, इससे लोगों के एहसास जुड़े हैं। कई पीढ़ियों ने तो बचपन से ही इसे अपने साथ बढ़ते हुए देखा है। आज भले ही इसकी लोकप्रियता पर थोड़ा असर पड़ा है, लेकिन इसका अस्तित्व अभी तक खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर आपको भी रेडियो सुनने का शौक है तो अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके।